तो गाइस यहाँ पर मेगा ऑक्शन तो ऑलरेडी यहाँ पर समाप्त हो चुका है, पर यहाँ पर फैंस के दिल में जहन में अभी भी सवाल है कि भैया हमारे टीम के कैप्टन यहाँ पर कौन होने वाला है। बहुत सारे टीम के यहाँ पर कैप्टन अभी भी निर्धारित नहीं हुए हैं, जैसे कि केकेआर आरसीबी मतलब एसआरएच की तो हो गई है, अभी आरसीबी यहाँ पर केकेआर यहाँ पर बोले तो पीबीके, इन सारे टीमों की यहाँ पर कैप्टन फाइनलाइज हुई नहीं है अभी तक। अभी तक यहाँ पर इनको लेके भैया तगड़े हलचल चले हैं, इनके टीम में भैया कौन कैप्टन बनेंगे, किसको कैप्टन बनाना चाहिए यहाँ पर। और मेगा ऑप्शन में बहुत सारी यहाँ पर तगड़ी हलचल दिखी है। यहाँ पर डेविड वार्नर को लेके मैं थोड़ा चौंक गया था, क्योंकि यहाँ पर डीसी ने खरीद लिया, वो भी उतना ज्यादा प्राइस में नहीं, मैंने जितना सोचा था। यहाँ पर पीबीकेस और भी ज्यादा खरीद सकते थे अपने कैप्टनसी देने के लिए, क्योंकि पीबीकेस के ऊपर पर्स यहाँ पर ज्यादा था। तो भाई मुझको तो ये बात जरूरी चौंका दिया है, और फैंस को भी यहाँ पर चौंका दिया होगा, क्योंकि पीबीकेएस ने मतलब पीबीकेएस के फैंस ने सोचा था कि भाई डेब्यू ऑनर आएंगे, कैप्टनसी करेंगे और एक बाएं हाथ के ऑप्शन में हो जाएंगे, यहाँ पर ओपनिंग भी कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम यहाँ पर 10 टीमों के 10 कैप्टन के बारे में यहाँ पर बोल देंगे आप लोगों को, 10 कैप्टन का नाम यहाँ पर बोल देंगे, और भैया तगड़ी हलचल जरूर चल रही है भाई, क्या ही बताओ। इस वीडियो में जरूर हमारे साथ अंत तक बने रहे ऑल आईपीएल टीम के फैंस के लिए। ये वीडियो जरूर इंपॉर्टेंट होने वाला, वीडियो को नीचे लाइक बटन दिख रहा है आप लोग को, हिट द लाइक बटन। चैनल है, चैनल में ऐसे क्रिकेट रिलेटेड अपडेट्स, आईपीएल के एनालिसिस अपडेट्स पाना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, पर आपको क्रिकेट रिलेटेड सब कुछ मिलते रहते हैं। तो गाइस यहां से वीडियो बढ़ता है आगे। तो गाइस पहले यहाँ पर आ जाते सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स में, और क्या है भैया यहाँ पर कैप्टन तो ऑलरेडी यहाँ पर निर्धारित किया ही गया चुका है पहले से, यहाँ पर एमएचडी हमारे चाहिए माई यहाँ भैया जान चुके होंगे, और फिर भी जान लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो, क्या नहीं जाने की बात है यहाँ पर। इसके बाद टीम में जल्दी से जल्दी आ जाती है यहाँ पर केकेआर कोलकाता नाइटर्स, और भैया यहाँ पर मैं यहाँ पर खुशी की खबर देना चाहूंगा केकेआर फैंस के लिए, क्योंकि उन्होंने जितना पाना चाहता, जिस प्लेयर्स को यहाँ पर पाना चाहता थे, यहाँ पर जिस प्लेयर को यहाँ पर कैप्टनसी देना चाहते थे, वो प्लेयर यहाँ पर सफलता हो गया उनको लेने के लिए, यहाँ पर कोलकाता यहाँ पर सफल रह चुकी है। मैं भी यहाँ पर बहुत खुश हूँ, और यहाँ पर फैंस के दिल में भी बहुत खुशी हो रही होगी। यहाँ पर श्रेयस अय्यर को ऑलरेडी बाय कर लिया है भैया, ठीक सुने होंगे, यहाँ पर श्रेयस अय्यर को बाय कर लिया और इनको कैप्टनसी देंगे। और कोई है यहाँ पर कैप्टनसी का ऑप्शन और कोई नहीं, होते भी नहीं है। और यहाँ पर पैट कमिंस को खरीदा है कहीं पर, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नीतीश राणा को यहाँ पर बैक करने का सोचा है। यहाँ पर केकेआर का स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया था, मैं कहूंगा भाई यहाँ पर श्रेयस अय्यर पर जितना 12 पॉइंट यहाँ पर कुछ खरीद, यहाँ पर 12 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर इनपे खर्चते हैं, मतलब खर्च दिया है ऑलरेडी, तो इनके ऊपर बढ़िया भरोसा जता है। और श्रेयस अय्यर ने बोला कि भैया मैं बहुत खुश हूँ इनके टीम के लिए प्लेट करने के लिए, और यहाँ पर केकेआर ने बता दिया भला और कौन कैप्टन हो सकता है भला इनके बजाय, तो ये कैप्टन नहीं है, दूसरा यहाँ पर तीसरा टीम में आ जाते हैं जल्दी से जल्दी। आरसीबी भैया तगड़ी हलचल इनको लेके तो बहुत हलचल चल रही है भैया, इनके पास बहुत सारे कैप्टन के ऑप्शन है, जैसे कि भैया फैंस बोल रहे हैं कि भैया विराट कोहली को बैक कर लीजिए, ये नहीं होता भैया, विराट कोहली एक ब्रांडेड प्लेयर है, तो भैया इनको मुझे नहीं लगता कि भैया ये अगर कैप्टनसी नहीं बोल दिया तो भैया और बैक नहीं आ सकता। मैं फिर भी आप लोगों को बोल देता हूँ, एक बार मैंने बोला भी था, फिर भी एक बार बोल देता हूँ। इसके बाद आता है भैया ग्लेन मैक्सवेल के ऑप्शन में, भैया ग्लेन मैक्सवेल के ऑप्शन में आप मार्क कर सकते हैं, क्योंकि भैया यहाँ पर आरसीबी ने जो है फाफ डू प्लेसिस को खरीदा है। अब देखिए भैया फाफ डू प्लेसिस को आप कैप्टनसी दे सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं दे सकते, फाफ डू प्लेसिस को कैप्टनसी दे सकते हैं। यहाँ पर हर्षल पटेल को भी खरीदा है आपने, हर्षल पटेल को कैप्टनसी की बात नहीं करो, पर स्ट्रेटेजी की बात करो, बढ़िया यहाँ पर खरीदा है, मानी दो को खरीदा है, आरसीबी की स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया। कैप्टनसी के बारे में भैया फाफ डू प्लेसिस को दे सकते हैं, मेरा हिसाब से बढ़िया नाम होगा, या ग्लेन मैक्सवेल को दे सकते हैं। मुझे लगता था यहाँ पर मनीष पांडे को यहाँ पर और भी ज्यादा आरसीबी खरीद सकती थी, क्योंकि भैया भारतीय प्लेयर है, इनको यार विदेशी प्लेयर्स में ज्यादा यहाँ पर भरोसा मुझे नहीं लगता ठीक होगा, पर फाफ डू प्लेसिस बहुत ही बढ़िया प्लेयर, इनको कैप्टनसी दे सकते हैं। जो यहाँ पर सोच रहे हैं कि विराट कोहली को देंगे, छोड़ दीजिए। इसके बाद जल्दी से जल्दी टीम में आ जाते हैं पीबीकेएस पंजाब किंग्स की फ्रेंचाइज में आए भैया तगड़ी हलचल, इनको लेके बहुत तगड़ी, ये भैया ये जो टीम है ना मुझको बहुत चौंका दिया, फैंस को भी बहुत चौंकने वाली बात यहाँ पर कर दिया ये टीम ने, जो मेगा ऑप्शन में जाए थे। यहाँ पर पहले तो डेविड वार्नर को लेना चाहिए था, मैं बोलूंगा इनको ले लेते तो भैया कैप्टनसी के ऑप्शन और ओपनिंग ताबड़तोड़ ओपनर आपको मिल जाता। यहाँ पर आपने कैप्टनसी के ऑप्शन में शिखर धवन को चुना, शिखर धवन को यहाँ पर लिया, तो भाई यहाँ पर मुझे नहीं लगता भैया शिखर धवन को दे सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ शिखर धवन को नहीं देख सकते, हमने देखा था इंडिया वर्सेस श्रीलंका के यहाँ पर सीरीज में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कैप्टनसी किया था, इनको दे सकते हैं भैया, एक्सपीरियंस तो है हमारे गब्बर के पास बहुत यहाँ पर एक्सपीरियंस है, पर कभी आईपीएल में कैप्टनसी करते हुए दिखे नहीं है, इनको मौका मिला है तो फर्स्ट चांस इनको देखे देख सकते हैं। या भैया मयंक अग्रवाल का ऑप्शन जो मैंने पहले से ही बोल रखा था, यहाँ पर पीबीकेएस की फ्रेंचाइज मयंक अग्रवाल को पहले से ही सोच रहे हैं, मुझे लगता है मेगा ऑप्शन में यही सोच के आए थे कि भैया मयंक अग्रवाल या शिखर धवन को हमने ले लिया, मतलब इनमें से कैप्टन देखे, डेविड वार्नर को इसलिए नहीं खरीदा, यहाँ पर खर्चने नहीं गई, यहाँ पर और भी ज्यादा यहाँ पर प्राइस जुड़ना चाहिए डेविड वार्नर को, मेरा मानना है, फैंस का भी यही मानना रहेगा। इसके बाद टीम में
जल्दी से जल्दी आ जाते हैं। दिल्ली डेली कैपिटल्स का भैया इनका जो मेगा ऑप्शन का स्ट्रेटेजी लेके ये पहुंचे थे उनमें बहुत ही सफल रहे भैया। यहाँ पर डेविड वार्नर को खरीदा, आप सोच सकते हैं भैया यहाँ पर ऑलरेडी कैप्टन तो है, कैप्टन यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, कैप्टन है यहाँ पर ऋषभ पंत और रहेंगे भी, मैं बोल देता हूँ यहाँ पर आप लोग फिर से सुन लीजिए, ऋषभ पंत रहेंगे। इसके बाद टीम में जल्दी से जल्दी आ जाते हैं यहाँ पर एसआरएच में, एसआरएच की बात करें तो यहाँ पर केन विलियमसन ही रहेंगे, और किसको देंगे, केन विलियमसन। और बढ़िया ये लोग स्ट्रेटेजी के साथ उतरे थे, और यहाँ पर निकोलस पूरन को भी बहुत बढ़िया प्राइस में यहाँ पर खरीदा हमने देखा था मेगा ऑप्शन में, एसआरएच ने बहुत बढ़िया बीडिंग करके इनको खरीद लिया था। केकेआर और एसआरएच के बीच यहाँ पर लड़ाई लग चुका था निकोलस पूरन को लेकर, क्योंकि केकेआर को भी ये बढ़िया यहाँ पर विकेट कीपर चाहिए था, क्योंकि केकेआर ने यहाँ पर शेल्डन जैक्सन को लिया था, इनको ज्यादा मैच नहीं खेला था, इसलिए केकेआर जो है निकोलस पूरन को लेने के लिए दौड़ रही थी पर नहीं मिला। पर यहाँ पर एसआरएच की बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ उतरे इनको मिल गया, तो कैप्टन तो रहेंगे केन विलियमसन। इसके बाद टीम में जल्दी जल्दी आता है आरआर राजस्थान रॉयल्स, तो हम जानते हैं यहाँ पर संजू समझन रहेंगे। यहाँ पर स्ट्रेटेजी की बात करें भैया, अब यहाँ पर बढ़िया मेगा सोन की स्ट्रेटेजी लेके उतरे थे, क्या है बोले भैया, ट्रेंड बोल्ड जैसे बड़े प्लेयर्स को यहाँ पर खरीद लिया, और भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को यहाँ पर खरीदा है, तो गाइस यहाँ पर कैप्टन तो संजू समझन रहेंगे। इसके बाद टीम में आ जाता है एमआई मुंबई इंडियंस में, आ जाए यहाँ पर एमआई आला भैया, यहाँ पर रोहित शर्मा रहेंगे, और क्या ही बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ उतरा था भैया, ईशान किशन को बैक कर लिया, क्या ही बढ़िया यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा, इनको बधाई देना चाहूंगा ईशान किशन को, इतने बढ़िया प्राइस में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस में से यहाँ पर 4 नंबर पे ऑलरेडी ईशान किशन ने अपना नाम लिखा चुका है, तो भैया क्या ही बोले भैया, इस साल बहुत बढ़िया गहरा प्लेस में 10 करोड़ के ऊपर खर्च लिया है, ऑलरेडी खर्चे गए हैं मेगा ऑक्शन में, ये पहली बार हिस्ट्री में आईपीएल के हिस्ट्री में 2008 से लेकर अभी तक का यहाँ पर पहली बार यहाँ पर 10 प्लेयर में 10 करोड़ से ऊपर का रकम लगाया गया है। इसके बाद टीम में जल्दी से जल्दी आ जाते हैं एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स, हम तो जानते हैं के एल राहुल यहाँ पर होंगे, लखनऊ सुपर जायंट्स का यहाँ पर स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया था, यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर खरीदे, इनको मैं रेटिंग देना चाहूंगा 9.5। इसके बाद जल्दी से जल्दी लास्ट टीम के साथ यहाँ पर वीडियो को खत्म करके गुजरात टाइटंस को मैं कुछ बोलना चाहूंगा यहाँ पर, कि भैया आपने पहले से यहाँ पर हार्दिक पांडे को यहाँ पर कैप्टनसी देने के यहाँ पर ऑलरेडी जो है बोल दिया, पर यहाँ पर मुझे लगता है चेंज करना अच्छा रहेगा, क्योंकि हार्दिक पांडे को कैप्टन करवा सकते हैं, पर ये जो है इनके ऊपर दबाव रहता है, क्योंकि ये ऑलराउंडर के तौर में खेलते हैं, ये बॉलिंग भी करना शुरू कर दिया ऑलरेडी, मतलब बॉलिंग करेंगे बैटिंग भी करेंगे, ऑलराउंडर का इनका प्रेशर रहेगा और उसके ऊपर कैप्टनसी का प्रेशर, मुझे नहीं लगता भैया ये संभाल पाएंगे, फिर भी ठीक है संभाल सकते हैं ये तो यहाँ पर गुजरात टाइटन्स का मानना है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सही प्रूफ भी हो सकता है, वो तो हमें आईपीएल टूर्नामेंट के समय पता चल जाएगा। ऑलरेडी हम यहाँ पर आप लोगों को परोस दिया ऑलरेडी 10 टीमों के 10 कैप्टन के नाम यहाँ पर आप लोगों को बोल दिया, स्ट्रेटेजी भी थोड़ा बहुत यहाँ पर बोल दिया होगा, तो गाइस ये वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा तो फटाक से लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, यही पर आपको क्रिकेट रिलेटेड अपडेट्स एनालिसिस यही पर मिलते रहते, तो गाइस आज के लिए इतना, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद नमस्कार जय भारत।